एआईएसएफ सारण जिला परिषद के साथियों ने एम्बुलेंस कांड मामले में मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के पटना से गिरफ्तारी के विरोध में अपने निवास स्थान से ही कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए तख्तियों और कार्डबोर्ड के माध्यम से बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। एआईएसएफ जिला सचिव अमित नयन ने खेद जताते हुए कहा कि एम्बुलेंस मामले में गिरफ्तार मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिना शर्त शीघ्र सम्मानजनक रूप से रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने बिहार की बदहाली को उजागर करने वाले पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए। एआईएसएफ जिला सचिव ने कहा कि कैसा समय आ गया है, निर्दोष को सजा और दोषी को मजा। उन्होंने एम्बुलेंस परिचालन मामले में लापरवाही को लेकर सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को शीघ्र गिरफ्तार करते हुए उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। आज हम लोग ऑल इंडिया एक्सीलेंस फेडरेशन सारण जिला के तहत मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हैं। उन्होंने सारण सांसद का जो पर्दाफाश एम्बुलेंस कांड में किया वो बहुत ही सराहनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी नीतीश सरकार उनको पप्पू यादव को सम्मानित करने के जगह उनको दंड मुकर्रर कर रही है। हम तत्काल सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और छपरा के सिविल सर्जन को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और चाहते हैं कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीघ्र कार्रवाई करते हुए अविलंब सांसद को गिरफ्तार करें और पप्पू यादव को ससम्मान रिहा करें। इनकलाब।